ये आप देख रहे हैं, ये जलते बांस के टुकड़े से किस तरीके से इलाज करते हैं। सियाटिका का दर्द हो, कमर दर्द हो, सर्वाइकल हो, बैक पेन हो, इस सब का इलाज करेंगे। आप मेरी पीठ पे देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें निशान है, जो मैंने पिछला सेशन इस थेरेपी का लिया था, और ये हमने जो लिया था वो स्टिफनेस और कमर का दर्द जो है सर्वाइकल। लगातार पेशेंटों को देखने से आप लोग सोच रहे होंगे कि जो दूसरों का इलाज करते हैं वो अपना इलाज कैसे करा रहे हैं, तो हमको भी थकान होती है। और कभी सर्वाइकल का दर्द हो गया या कभी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं तो स्टिफनेस हो जाती है। और ये जो थेरेपी है मैं महीने में कम से कम 2 बार कराता हूँ, जिससे कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, हमारा शरीर ठीक रहे। तो आप अभी देखोगे किस तरीके से ये जो बांस के टुकड़े से और आग लगा के किस तरीके से जो इलाज होता है, और इससे आप अपना सर्वाइकल, स्लिप डिस्क है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, स्टिफनेस अगर आपकी हो गई, और बहुत ज़्यादा थकान है, फटीग है, लिथार्जिकनेस रहती है। कई लोग हैं जो सुबह उठते हैं फिर भी थके हुए रहते हैं, उनकी नींद पूरी भी हो जाती है फिर भी आराम नहीं मिलता। तो ये थेरेपी कराने से आप जो महीनों की थकान है वो सीख कर लोगे, और ये बांस और जो फायर है वो आपको किस तरीके से इलाज करेगा ये भी आज हम देखेंगे। और मेरे साथ जो थेरेपिस्ट है ये अपना पूरा एक्सप्लेन करेंगे और इस चीज़ को करके भी दिखाएंगे। आप मेरे पीठ पे देख सकते हो, ये आज इसीलिए हमने किया है कि इसका फ़ायदा जो है वो पेशेंटों के साथ साथ डॉक्टर्स भी उठा सकते हैं। ऐसे लोग जो लगातार ऑफिस में काम करते हैं, आईटी फील्ड में काम करते हैं, जिनकी सिटिंग की जॉब है, चाहे वो बैंक में हो या किसी भी काम में हो, अपने बिजनेस में हो, तो उनको भी ये कराना चाहिए। इससे क्या है कि आप किसी भी बीमारियों को आने से बच सकते हो। तो ये सारा अभी देखेंगे जी, और इसमें जो टेक्निक्स हैं वो भी आपको साथ के साथ बताएंगे, और कितना क्या फर्क पड़ा ये भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, ये बैम्बू है जो कि बनाया गया है बांस बैम्बू से, कपिंग थेरेपी बैम्बू प्लस फायर, तो इसको फायर कपिंग कहते हैं। ये हमने यहाँ पे लगाया, वैक्यूम बना फायर से, और सर्वाइकल रीजन के लिए अभी मैं ये लगा रहा हूँ। तो जितने भी ब्लॉकेज हैं सर्वाइकल से रिलेटेड, तो ये वैक्यूम बनाएगा, और वहाँ का जो फासिया है जो टाइट हो जाता है, हमें प्रॉब्लम कब होती है, जब हम किसी लगातार एक पोजिशन में आगे झुक के काम करते हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं, जो लोग आईटी फील्ड में हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ये एरिया वो जकड़ जाता है, यहाँ की मसल जो है वो स्टिफ हो जाती है, यहाँ का प्राण एनर्जी वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये जब सक्शन करेगा, इसको कोमल करेगा, इसको सॉफ्ट करेगा, और यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जो प्राण है, जो एनर्जी है, उसको फ्लो को एकदम दूर कर देगा, और अंदर से इसको डिटॉक्स कर देगा। तो ये सर्वाइकल में, बैक पेन में, मसल स्टेबल, नी पेन, सर्वाइकल, सियाटिका, जितनी भी हमारी फ्रोजन शोल्डर है, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है, उनको बहुत जल्दी डिटॉक्स करता है। और फायर के द्वारा आता है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये जो इसके निशान है वो रह जाते हैं, लेकिन वो धीरे 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 दूर होते चले जाते हैं। जितने भी अच्छे प्लेयर हैं, स्विमर हैं, वो इस टेक्निक का उपयोग अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो लगातार इस थेरेपी का यूज करते हैं। कैसा लग रहा है? देखो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहले भी लिया, इससे इतना फासिया रिलीज होता है। जैसे सर ने फासिया बोला ना, कई बार क्या होता है, लोग कितने भी एक्सरे करा लें, MRI करा लें, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और बॉडी में स्टिफनेस और दर्द बने रहते हैं। तो इस थेरेपी से क्या होता है कि फासिया रिलीज होता है, और फासिया क्या है कि हमारी स्किन के जस्ट नीचे होता है, और ये करने से क्या होगा, वो फासिया रिलीज हो जाता है, तो आपका जो पेन आ रहा है, चाहे वो सर्वाइकल हो या कोई भी दूसरा पेन हो, वो दूर हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को फुल बॉडी डिटॉक्स भी करना है तो 1-2 सिटिंग में ये डिटॉक्स हो जाता है। इसके साथ बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये थेरेपी ले रहे हैं तो आपने पानी की मात्रा बढ़ानी है, और अगर आप भुट्टे के बाल से किडनी क्लींज भी साथ के साथ कर लो तो आपके पेन में तो आराम मिलेगा ही, आपकी पूरी बॉडी चमक जाएगी और पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, और इसका रिजल्ट आपको आपके फेस पे भी दिखेगा। आप ये दूसरी टेक्निक से सर बताएंगे। तो ये पहली टेक्निक देखिए, हमने ये सक्शन हुआ, इसको प्रेस किया, अब आप ये निशान देख रहे हैं, तो इसका मतलब है, इससे ये भी पता चलता है कि आपके निशान कैसे हैं, गहरे काले होते हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी को उतनी ज़्यादा आवश्यकता है डिटॉक्सिफिकेशन की। जो लोग कोई वर्क नहीं करते, 24 घंटे बैठे रहते हैं, तो लोग इसको हफ्ते में एक बार कराने जरूर आते हैं, जिससे उनकी मसल्स स्टिफनेस कम हो, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे, और उनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से नर्वस सिस्टम, जो पूरा नर्व है, वो डिटॉक्स रहे। तो इसमें
ये जो पहली थी हमने जो कपिंग की, इसको सक्शन किया, इसने होल्ड किया, यहाँ पे जाके फासिया क्लियर हुआ। अब जाके दूसरा और ज्यादा इम्पैक्ट जिस टेक्निक से होता है वो हम करेंगे कि जिसमें हम लोग कप को लगाएंगे और हटाएंगे, लगाएंगे हटाएंगे, लगाएंगे हटाएंगे, उससे क्या होगा कि और जल्दी जो है इसका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बनेगा और मसल्स जो है वो जल्दी से रिलीफ होगी। तो मैं आपको करा के बता रहा हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस आइए। तो ये अब ये देखिए, ये अब ये पेन में, स्वेलिंग में, स्वेलिंग के चारों ओर करते हैं उसमें बहुत जल्दी जो है वो रिलैक्स देगा और आपके नर्व को उतना जल्दी खोलेगा। ध्यान ये रखना है कि आपका कप जो है वो बहुत ज्यादा अगर गर्म हो गया है तो देन चेंज विद अदर बैम्बू कप। ये सेकंड टेक्निक थी। इसके बाद थर्ड जो स्लाइड हम करते हैं, मसाज जिसको बोल सकते हैं, किस प्रकार से करनी है, सर्वाइकल ब्लॉक है या सियाटिका का प्रॉब्लम है या फ्रोजन शोल्डर है। अगर फ्रोजन शोल्डर है तो चारों तरफ यहाँ का प्रॉब्लम है तो यहाँ से इस तरफ को नर्व को खींचते हुए लाएंगे जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसके हवा से ये जल्दी बुझ जाता है, लेकिन अब ये देखिए पूरा मसल्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम ला रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, तो यहाँ पे आके ये बहुत जल्दी तरीके से फिर एक्टिवेट होगी। बाहर से अंदर की ओर लाया जाता है स्लाइड, ये तीसरी टेक्निक थी और जिससे कि रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। फ्रोजन शोल्डर के लिए पूरा शोल्डर का किया इस तरीके से नीचे से ऊपर। तो ये बैम्बू कपिंग की तीन तरीके हैं जिसमें कि फासिया जो ब्लॉक है, स्टिफनेस है शोल्डर की, आपका सर्वाइकल की, बैक की, तो वो उसको एकदम सॉफ्ट कर लेगा। अभी देखिए, खैर सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मयंक सर को, लेकिन वो भी अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए कराते रहते हैं और ये नहीं कि इनको कोई प्रॉब्लम है, बस जस्ट एज अ कि हमारी बॉडी ठीक रहे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे, क्योंकि सिटिंग करते 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 बहुत ज़्यादा लंबा टाइम बैठे रह जाते हैं। थेरेपिस्ट है लेकिन थेरेपिस्ट भी बैठा रहता है, वो लगातार दूसरों का इलाज करता रहता है, तो उसको भी थोड़ा आवश्यकता होती है क्योंकि वर्कआउट का कभी कभी समय नहीं मिल पाता। तो इससे क्या है कि पूरी बॉडी क्या क्या होगी, डिटॉक्स होगी और जो भी अवरुद्ध है, माना कभी ब्लड, कभी कॉटिंग हो गया या स्टिफनेस अगर आगे लगातार बैठे रहने से, तो वो बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लामेशन ही देखिए, फायर के द्वारा इन्फ्लामेशन हुआ, अब ये पूरा एरिया एकदम सॉफ्ट हो गया। अभी देखेंगे प्रेस, जहां नहीं है वहां देखिए और जहां किया है ये देखिए पूरा अपने आप सॉफ्ट हो गया। तो इस सॉफ्टनेस से क्या हो जाएगा, पूरा आपका डिटॉक्स हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा। तो ये कपिंग थेरेपी थी। अब आगे मयंक सर, ये आप देख सकते हो कि जो निशान पड़ते हैं इसके बाद, ये क्या बताते हैं कि आपकी बॉडी में कितने टॉक्सिन्स हैं, और जरूरी नहीं है टॉक्सिन्स हो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार पड़ो तब इलाज करो, उससे अच्छा है कि आप बीमारी ना पड़ो और अपने काम को अच्छा करते रहो। तो ये थेरेपीज आपको जरूर लेनी चाहिए। इसको लेने के लिए आप करनाल प्रेस से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।